नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज हमारे साथ है चंदन रामदास जी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में। समाज कल्याण सर आपके पास है, परिवहन आपके पास है, समाज कल्याण में क्या उपलब्धि है और क्या होना है, क्या लक्ष्य है सर? समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है जो अंतिम छोर पर बैठे हुए वृद्ध को, दिव्यांग को, विधवा को और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मदद किसी न किसी रूप में कर सकता है। और जब अभी चुनाव हुए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3-4 घोषणा की थी समाज कल्याण में कि हम वृद्ध को भी पेंशन देंगे, वृद्धा को भी पेंशन देंगे। और हमने सबसे पहले शासनादेश जारी कर दिया है। उसमें एक खामी आ गई थी कि जिसका बालिक पुत्र है वो क्लॉज भी हमने हटा दिया है, इसलिए अब सबको पेंशन मिलना सुनिश्चित कर दिया है। हमने हमारी कैबिनेट ने तय किया था कि हम सभी प्रकार की पेंशनों को हम 1500 करेंगे, तो शासनादेश 2-1400 का किया था। मैंने सबसे पहले शासनादेश 1500 को करके सभी 17.5 लाख जो पेंशनधारी हैं सबको पेंशन के शासनादेश कर दिए हैं। पहली तारीख को 1 क्लिक से सारे लाभार्थियों के खाते में पेंशन और छात्रवृत्ति जमा हो जाएगी, ये सुनिश्चित कर दिया है। सर, जैसा आपने कहा समाज कल्याण जो है मुख्यमंत्री से भी ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग है। मैंने ये नहीं कहा मुख्यमंत्री ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर, समाज का जो है अंतिम छोर पे व्यक्ति समाज कल्याण जुड़ा है। मैंने कहा समाज कल्याण एक महत्वपूर्ण विभाग है। आगे लक्ष्य क्या होना है सर? 5 साल अभी आपके पास है कि उत्तराखंड का पर व्यक्ति जो है, जैसा आपने पेंशन की बात करी और कई लोग ऐसे भी हैं जो पेंशन में नहीं भी आते हैं लेकिन उनको समाज कल्याण से सहयोग मिलेगा। देखिए, समाज कल्याण विभाग में अलग अलग योजनाएं हैं। जो पेंशन के पात्र हैं वो पेंशन पाएंगे, जो ऋण के पात्र हैं वो ऋण योजनाएं हमारी, हमारे ITI हैं, हमारे आश्रम पद्धति विद्यालय है, हमारे पास आयोग है, निगम है, बोर्ड है, बहुत से काम करने की हमारे पास आवश्यकता है। हमारे पास फंड भी है, केंद्र पोषित योजनाएं हैं, राज्य पोषित योजनाएं हैं। लोग आगे आए, समाज कल्याण विभाग उनके कंधे में कंधे साथ खड़ा रहेगा। मैं सर पिछले 21 सालों में यही कहा जाता है कि नेता कमजोर हो जाते हैं, अधिकारी प्रभावी हो जाते हैं, तो इसमें कहां आदमी को मदद मिल पाएगी? देखो, नेता अधिकारी कभी कमजोर नहीं होते हैं, दोनों मजबूत होते हैं। अधिकारी प्रभावी हो जाता है सर। जो नेता के मन में ये होगा कि मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है, उसके आगे अधिकारी कुछ नहीं कर सकता है। जो नेता सिर्फ अधिकारी के कहने पर चलता है तो वहां कमजोर होता है। हमारी इच्छा शक्ति है, हम अधिकारियों का भी सहयोग लेंगे, उनको भी ऊर्जावान बनाएंगे। जो विपरीत काम करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, जो अच्छा काम करेगा उनको प्रमोट करने का भी काम करेंगे। सर, आपके यहाँ परिवहन है और ये चकोटिया में बैठे हैं, वाकई में यहाँ देहरादून के लिए दुविधा है और सुभाष भाई ने माशी से उठाई थी, गाड़ियों की वाकई में समस्या है, कुछ आश्वासन देके जाइए। जो रोडवेज की स्थिति मैंने 1 महीने में परखी है, रोडवेज की स्थिति यह है कि रोडवेज के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। 8 साल से जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनको कोई भी अंशदान नहीं मिल रहा है। जो मर खप गए विभाग में उनके बच्चों को अभी तक मृत्यु आश्रित की नौकरी नहीं मिली है। और जब से मैं आया हूँ मैंने ये काम किया है कि हम रोडवेज की आमदनी बढ़ाएं, और रोडवेज की आमदनी बढ़ाने के लिए हम रोडवेज की बसों को ठीक करें, उनके डिपोज को ठीक करें, जहाँ आवश्यकता है वहाँ रोडवेज की बसें लगाएं और आमदनी के स्रोत ढूंढें। और अभी बीच में 4 डिपो बंद कर दिए थे, मैंने तत्काल से मैंने 4 डिपो भी बहाल किए हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रोडवेज की स्थिति को ठीक लाएं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो पुनर्गठन है उसमें 105 करोड़ रुपया हमको दिया है। हम घाटा पाटने की स्थिति में हैं, 1-2 महीने का तनख्वाह का बैकलॉग है। आपको दिखाऊंगा मैं 100 दिन का जो रोडमैप है उसमें रोडवेज को भी अच्छी स्थिति में लाऊंगा, तब मुझे आप जब दोबारा प्रश्न पूछेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। परिवहन विभाग की बात आ रही है, अधिकारियों की बात आ रही है, रानीखेत डिपो जब चेंज हो गया था, रामनगर से ले गया था, आपने कहा मुझे जानकारी नहीं है, ये बात आई थी आपके कहने पे रुका भी, अधिकारियों ने खेल कर दिया सर। ये पहले अक्टूबर का निर्णय हुआ था और जब अक्टूबर का निर्णय हुआ, चूंकि सरकार नहीं बन गई थी, मैंने ये लिखा जानकारी नहीं है, मैंने ये कहा कि नई सरकार बनने के बाद जो भी निर्णय होगा उसमें माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री के सामने रखना चाहिए, और नहीं रखा तो खामियाजा भुगतना पड़ा और मैंने निरस्त किया। आपसे पहले सर इस विभाग में बहुत कद्दावर नेता हुआ थे और बसें खरीदी गई, वो घोटाला हुआ, कहीं जा चुकी सर
कभी पड़ता खुलेंगे सर? अब वो कांग्रेस में चले गए, उनसे पूछो। मंत्री तो सर आप ही हो विभाग के, सर कहीं पड़ते खुलेंगे सर? मैं तो खुलनी चाहिए सर, जाके तो इन कामों में नहीं पड़ूंगा। मैं अपने विभाग को अच्छा करने की कोशिश करूंगा और जो उन्होंने भी अच्छा किया होगा उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा, और जो उन्होंने छुआ नहीं उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मैं मंत्री हूं और कार्यकर्ताओं के बदौलत मंत्री बना हूं, और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि कार्यकर्ताओं ने जिस विश्वास से भारतीय जनता पार्टी को ये भागदौर सौंपी, 47 का प्रचंड बहुमत दिया है, मैं अपने कार्यकर्ता अपने प्रदेश के लोगों को निराश नहीं होने दूंगा। सर आपकी जड़ जो है धरहाट में निकलती है, धरहाट के बाशिंदे आप ये हैं और चकुटिया के रहने वाले हैं सर, तो कुछ विशेष कृपा रहेगी धरहाट चकुटिया के लिए? जहाँ से जड़ निकलती है और पूरे प्रदेश में जाती है, आज मेरा जन्म धरहाट हुआ, मैंने कक्षा 5 तक धरहाट में अच्छा लगा सुरेखे तो मैंने शिक्षा ग्रहण करी, और मेरा मूल घर भी है, आज भी मैं घर आते जाते रहता हूँ, आज भी मेरा वहाँ धार्मिक कार्यक्रम है, मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है जन्मभूमि से और अपने कुल देवता के रूप में जिन्होंने मुझे इतनी प्रगति दी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि कर्मभूमि जन्मभूमि के अलावा पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी मुझे है, मैं निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। धन्यवाद।